16 मार्च से रात 9 बजे ऑन एयर होने जा रहा है अनुपमा, और इस शो में काफी बड़े बड़े चेहरों का भी दीदार होने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ते हैं प्यार के मेकर राजन शाही अनुपमा लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको शो की स्टार कास्ट से मिलवाते हैं। वेल, एक साल बाद अदिति गुप्ता भी अनुपमा से अपनी वापसी करने जा रही है। तो कैसा है अदिति का शो में कैरेक्टर, आइए जान लेते हैं। तो माय नेम इन द शो इज काव्या। Hi, so sexy. Yeah, so she is a girl who is very chic, very outgoing, and you know, you can see, I think I don't have to define much. But yeah, I think you have to wait and watch to figure out what my character is. I think I don't want to spill the beans. That's the correct thing to say. साथ ही शो में अरविंद वैद्य और अल्पना बुच अनुपमा के सास ससुर के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसा प्रोमो में देख ही लिया है कि माँ जी अपने बेटे से तो बेहद प्यार करती हैं, लेकिन बहू को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए अल्पना जी से ही जान लेते हैं। रीजन है, अगर आप पहले ही एपिसोड देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं इतनी खफा क्यों हूँ। बट मैं अगर अभी रिवील कर दूंगी तो मजा नहीं आएगा। भाई वाह, सस्पेंस से तो शो देखने का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आइए इस क्रेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब आपको शो की लीड रूपाली गांगुली यानी कि आपकी अनुपमा और सुधांशु पांडे यानी कि अनुपमा के पतिदेव वनराज के पास लेकर चलते हैं। अनुपमा, शो के प्रोमो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अहमदाबाद अभी शूटिंग करने गए थे, मतलब राजन कमाल के प्रोड्यूसर हैं, एक छोटा सा सीन करने के लिए भी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। तो वहाँ जब गए थे सन टेंपल में शूटिंग की मोधेरा में, एंड वहाँ पर कई सारी औरतें टूरिस्ट सब आए वहाँ, एंड देयर सेइंग अनुपमा कब आ रहा है ये वो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस शो, जबकि इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो इतना समय भी हुआ है प्रोमोस को आकर, उसके बावजूद लोग अनुपमा को जानते हैं। दैट इन इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द शो, अबाउट द वाइब द शो हैज। रूपाली, प्रोमो में तो हमने आपके कैरेक्टर देख ही लिया, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं अनुपमा की असली कहानी। मैं कहूंगी कि ये किसी का भी ड्रीम रोल है। आई मीन अनुपमा सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही प्यारी इंसान है। शी इज़ द एपिटमी ऑफ वॉट या सैक्रीफाइस वॉट वुमन स्टैंड फॉर। बेसिकली अपने आप को कई बारी बैक सीट पे रखकर अपने परिवार को हमेशा फ्रंट में रखना चाहती है। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन राजन सर इज़ ब्रिंगिंग फोर्थ टू टेलीविजन। सो प्लीज़ कनेक्ट टू इट। इफ़ यू लव योर मदर, इफ़ यू लव योर वाइफ, इफ़ यू लव द वुमेन इन योर हाउस, Please connect to अनुपमा। सुधांशु, आप शो में काफी रूड हस्बैंड बने हैं, तो अपने कैरेक्टर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? My character name is वनराज। Personally, I'm dead against misbehavior against women, right? So when I have to play this character in this show, and every time there is a line where it is like it's really rude and very painful, I always tell her, "Yar, ye kitna ganda aadmi hai, yar kitna ganda aadmi hai." So oh, I, you know, because come and see the thing, and he said, "Oh." So I'll feel, you know, I feel so bad. It's my comeback after 7 years. For me to step back onto a set after 7 years is, I still can't figure out. Okay, acha, I'm here already, but a huge. Lots of love to the viewers जिन्होंने हमको इतना सारा प्यार already दिया है, और उम्मीद है कि और भी बहुत सारे लोग इस शो के साथ जुड़ें, क्योंकि हर एक के घर में अनुपमा है। और यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 16 मार्च रात 9 बजे स्टार प्लस अनुपमा। वैसे अभी शो में 3 और कास्ट हैं जो अनुपमा के बच्चे हैं, और इन बच्चों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पारस, आशीष और मुस्कान। तो कैसा है इन तीनों का कैरेक्टर, आइए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट समर्स कैरेक्टर, आई एम लाइक ही इज़ माई एल्डर ब्रदर इन द शो, माई यंगर सिस्टर इन द शो, और मैं बीच में जो मतलब छोटा भाई कह सकते हैं। सो ये बहुत क्लोज है अपनी मॉम से, अनुपमा जो माँ प्ले कर रही है, मम्मी प्ले कर रही है, उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। मेरा कैरेक्टर नेम पाखी है, जो कि मम्मी से प्यार करती है, लेकिन मम्मी को आजकल के ज़मानों की मतलब
चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है तो वो बोलती है कि मम्मी आपको कुछ पता नहीं है, आप हर जगह ना सेम डायलॉग बोले जाते हैं। या पारितोष एक्चुअली स्टिल फिगरिंग लाइफ वाला एक स्टेज है, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कहूँगा मगर सेल्फ सेंटर्ड है इन लॉट ऑफ वेज। मॉम से प्यार करता है, डैड को एडमायर करता है, लुक अप टू करता है, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक हिज डैड, वो अपने डैड की तरह बनना चाहता है एंड ही केयर्स अबाउट हिज फैमिली इन टर्म्स ऑफ अपने फैमिली का ख्याल रखता है, जैसे छोटी बहन से प्यार करता है मगर उसको छेड़ता करता नहीं है।